ये लेसन CPL के पहले मॉड्यूल यानी इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर्स पर मुश्तमिल है, जिसे हम मॉड्यूल 1 कहते हैं। हम मॉड्यूल 1 के पहले हिस्से से इस कोर्स का आगाज करते हैं, जिसमें हम आपको कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर और उसके मुख्तलिफ फीचर्स के बारे में बताएंगे। इस लेसन को करने के बाद आप जान जाएंगे कि कंप्यूटर क्या है, इसके क्या फ़वाद हैं, कंप्यूटर से मुतलक कौन सी बेसिक टर्म्स हैं और कंप्यूटर की कितनी इकसाम हैं। चलिए अब हम देखते हैं कि कंप्यूटर क्या है। ये कोई जादू नहीं, बल्कि वो मशीन है जिसे इंसान ने अपने रोजमर्रा काम को ज्यादा आसानी और बेहतर तरीके से करने के लिए इजाद किया है। कंप्यूटर का सबसे बड़ा फायदा यह है कि बहुत ज्यादा मेहनत और वक्त लेने वाला काम इंतहाई आसानी और कम वक्त में कर देता है। इसके अलावा कंप्यूटर की मदद से किए जाने वाले कई काम इंसानी काम के मुकाबले में ज़्यादा काबिल भरोसा होते हैं। एक और ख़ास सहूलत जो कंप्यूटर हमें मुहैया करता है वो मालूमात का महफूज करना है। मसलन अगर आप दुनिया की सारी लाइब्रेरीज़ की किताबों के कंटेंट्स को एक जगह पर महफूज करना चाहते हैं तो वो एक बड़े कंप्यूटर में स्टोर किए जा सकते हैं। आपके सामने ये एक कंप्यूटर है। ये एक ऐसी डिवाइस है जिसे हम कुछ मालूमात, हिदायत या डेटा देते हैं। कंप्यूटर दी जाने वाली मालूमात पर कुछ काम करता है और फिर हमें मतलूबा नताइज या रिजल्ट्स फराहम करता है। ये कंप्यूटर का एक मुख्तसर सा तारुफ था। कंप्यूटर से मुतल्लक कुछ ऐसी बेसिक टर्म्स भी हैं जिनका जानना बहुत ज़रूरी है और जो हमारे कोर्स में कसरत से इस्तेमाल होंगी, जैसे इनपुट, आउटपुट, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर और इंटरनेट वगैरह। सबसे पहले एक बहुत आम इस्तेमाल होने वाली टर्म इनपुट है। इनपुट के मानी किसी सिस्टम को कोई चीज या डेटा फराहम करना है। कंप्यूटर इनपुट से मुराद कोई ऐसी चीज या डेटा है जो हम कंप्यूटर को फराहम करते हैं। रोजमर्रा जिंदगी में इसकी मिसाल एक जूसर की ली जा सकती है जिसमें हम मुख्तलिफ किस्म के फल डालते हैं। जूसर इन फलों का रस निकालकर गुदा अलहदा कर देता है। गौर करें, ये फल जूसर के लिए इनपुट है। वो चीज जो कंप्यूटर को इनपुट देने के लिए इस्तेमाल होती है वो इनपुट डिवाइस कहलाती है। जैसे कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है क्योंकि ये कंप्यूटर को डेटा देने के काम आता है। बिल्कुल इसी तरह अगर हम अपने जूसर की एग्जाम्पल दोबारा देखें तो किसी जूसर के अंदर आपको फल डालने के लिए हाथ इस्तेमाल करना पड़ता है। इसका मतलब ये हुआ कि हाथ जूसर के लिए इनपुट डिवाइस है। आमतौर पर इस्तेमाल होने वाली कंप्यूटर की इनपुट डिवाइसेस में कीबोर्ड, माउस और स्कैनर वगैरह शामिल हैं, जिनकी तफसील आप अगले लेसन में देखेंगे। कंप्यूटर इस्तेमाल करने की बुनियादी वजह इससे कोई इन्फॉर्मेशन या रिजल्ट्स हासिल करना है। तो अगली बहुत आम इस्तेमाल होने वाली टर्म आउटपुट है। कंप्यूटर जो हमें इन्फॉर्मेशन या रिजल्ट्स देता है उसे हम आउटपुट कहते हैं। सो आउटपुट का मतलब हुआ कुछ निकालना या मुहैया करना। मिसाल के तौर पर किसी ट्यूबवेल से हासिल होने वाला पानी ट्यूबवेल की आउटपुट कहलाती है और जूसर से निकलने वाला जूस जूसर की आउटपुट कहलाती है। इसी तरह थ्रेशर से निकलने वाले गंदम के दाने थ्रेशर की आउटपुट हैं। वो चीज जो आउटपुट हासिल करने के लिए इस्तेमाल होती है उसे आउटपुट डिवाइस कहते हैं। मसलन जूसर की मिसाल में ग्लास या कप आउटपुट डिवाइस है क्योंकि इसके जरिए हमें जूसर में से आउटपुट मिल रही है, यानी जूस। अगर हम थ्रेशर की मिसाल को दोबारा देखें तो इस जगह को थ्रेशर की नोजल कहा जाता है। यहां से गंदम के दाने बाहर निकल रहे हैं। इस तरह नोजल थ्रेशर की आउटपुट डिवाइस है। इसी तरह कंप्यूटर से आउटपुट लेने के लिए हमें आउटपुट डिवाइसेस की जरूरत होती है। आम इस्तेमाल होने वाली कंप्यूटर आउटपुट डिवाइसेस में प्रिंटर, मॉनिटर और स्पीकर शामिल हैं। अभी तक हमने जिन टर्म्स के बारे में बात की उनमें इनपुट, इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट
और आउटपुट डिवाइसेस शामिल हैं। अब जो हम नेक्स्ट टर्म देखेंगे वो प्रोसेसिंग या कंप्यूटर प्रोसेसिंग है। रोजमर्रा जिंदगी में प्रोसेसिंग को समझने के लिए आइए थ्रेशर की मिसाल को दोबारा लेते हैं। जब थ्रेशर को कटी हुई गंदम इनपुट की जाती है तो ये इस पर कुछ काम करता है, यानी इसके दाने और भूस अलहदा अलहदा करता है। इस काम को थ्रेशर की प्रोसेसिंग कहते हैं। इसी तरह कंप्यूटर इनपुट पर इंटरनली कुछ काम या प्रोसेसिंग करता है जिससे आउटपुट हासिल होती है। स्टोरेज। इसके अलावा कंप्यूटर के अंदर इंफॉर्मेशन को स्टोर करने की भी सलाहियत मौजूद है। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि हमें जगह जगह जाकर बारी बारी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट नहीं करना पड़ता, बल्कि हर इंफॉर्मेशन को हम एक जगह एक कंप्यूटर के अंदर स्टोर कर सकते हैं। इसको एक्सप्लेन करने के लिए जो टर्म इस्तेमाल की जाती है वो स्टोरेज है। देखिए, ये वही जाना पहचाना थ्रेशर फिर आपके सामने है। इससे निकलने वाली गंदम को बोरियों में महफूज या स्टोर कर सकते हैं। रोजमर्रा जिंदगी की एक और मिसाल लाइब्रेरी की है, जहां हर किस्म के सब्जेक्ट्स के मुतालिक मुख्तलिफ किताबें मौजूद होती हैं, जैसे मैथ्स, पॉलिटिक्स, साइंस वगैरह। गोया लाइब्रेरी के अंदर हर किस्म की किताबें मौजूद होती हैं। आपको मुख्तलिफ जगहों पर जाकर उन्हें ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि ये एक ही जगह पर मिल जाती हैं। बिल्कुल इसी तरह कंप्यूटर में मुख्तलिफ किस्म का बेशुमार डेटा और इन्फॉर्मेशन स्टोर की जा सकती है, ताकि बवक्ते ज़रूरत काम आ सके और हमें इसे मुख्तलिफ जगहों पर जाकर ढूंढना न पड़े। स्टोरेज डिवाइसेस। कंप्यूटर में इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए कुछ स्टोरेज डिवाइसेस होती हैं, जिनकी तफसील हम आपको अगले लेसन्स में बताएंगे। इससे मुतालिक चंद नाम आप सहन नशीन कर लें। मसलन, इसमें रोम, रैम, हार्ड डिस्क, मेमोरी कार्ड्स, यूएसबी डिस्क, सीडीज और डीवीडीज शामिल हैं। स्टोरेज डिवाइसेस आपकी चीजों को एक जगह महफूज रखने के लिए इस्तेमाल होती हैं। आम जिंदगी में इसकी कई मिसालें मौजूद हैं, जैसे आपके किचन में मुख्तलिफ मसाला जात को स्टोर करने के लिए कैबिनेट इस्तेमाल होती है। अगले टर्म जिसका हम जिक्र कर रहे हैं वो हार्डवेयर है, मतलब वो चीज़ें जिन्हें आप छू सकते हैं और जिनकी मदद से मुख्तलिफ काम किए जाते हैं। आपने चाय का चम्मच तो देखा होगा। जी, चाय का चम्मच भी एक हार्डवेयर है। अगर आप इस हार्डवेयर को चाय के अंदर चीनी डालने के लिए इस्तेमाल करें तो वही हार्डवेयर एक इनपुट डिवाइस का काम करता है। इसी तरह अगर आप एक पानी की बाल्टी को पानी निकालने के लिए इस्तेमाल करें तो वही बाल्टी आउटपुट डिवाइस का काम करती है। इसी तरह कंप्यूटर में अब तक हमने जिन इनपुट, आउटपुट और स्टोरेज डिवाइसेस का जिक्र किया वो कंप्यूटर का हार्डवेयर कहलाती हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि कंप्यूटर अपने हार्डवेयर डिवाइसेस या आउटपुट और इनपुट डिवाइसेस को किस तरह इस्तेमाल करता है। इस सवाल के जवाब में हमारे सामने एक नई टर्म आती है जिसे हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। सॉफ्टवेयर से मुराद वो हदायत हैं जिनकी मदद से कंप्यूटर अपने हार्डवेयर को इस्तेमाल करता है। यहाँ अगर आप गौर करें तो हदायत से मुराद वो चीज़ें जिन्हें आप सोच तो सकते हैं, लिख भी सकते हैं, लेकिन आप छू नहीं सकते। सॉफ्टवेयर भी बिल्कुल ऐसी ही चीज़ है जिसे ना तो आप छू सकते हैं और ना ही इसका कोई वजन है और ना ही ये हार्डवेयर की तरह नज़र आता है, लेकिन ये कंप्यूटर को इस्तेमाल करने में एक बहुत अहम किरदार अदा करता है। इसकी मिसाल हम यूं ले सकते हैं कि जब आप अपना कंप्यूटराइज्ड आईडी कार्ड बनवाने जाते हैं तो ऑपरेटर एक इनपुट डिवाइस के जरिए सारा डेटा अपने कंप्यूटर को फराहम करता है। कंप्यूटर इस डेटा को इनपुट के तौर पर लेता है और इसको इन्फॉर्मेशन में तब्दील कर देता है, फिर इसको कार्ड पर लिखने के लिए एक खास तरतीब देता है, यानी ये देखता है कि कार्ड पर कौन सी इन्फॉर्मेशन पहले आएगी और कौन सी बाद में। इस तरह जब कंप्यूटर हमें कंप्यूटराइज्ड शनाख्ती कार्ड आउटपुट के तौर पर देता है तो इसके लिए भी सॉफ्टवेयर ही इस्तेमाल होता है।
अब तक हमने कंप्यूटर के कुछ फवायद और कुछ अहम टर्म्स को देखा है। अब हम देखेंगे कि कंप्यूटर की कौन सी इकसाम है। कंप्यूटर को जिन बुनियादी इकसाम में तकसीम किया जाता है वो कुछ इस तरह हैं। सुपर कंप्यूटर्स, मेन फ्रेम कंप्यूटर्स, सर्वर, माइक्रो कंप्यूटर, गेम कंसोल्स, मोबाइल कंप्यूटर्स एंड मोबाइल डिवाइसेस और एम्बेडेड कंप्यूटर्स। सुपर कंप्यूटर्स, सबसे पहले कंप्यूटर की टाइप सुपर कंप्यूटर है। ये वो कंप्यूटर्स हैं जो सबसे ज्यादा तेज रफ्तारी से अपना काम सरंजाम देते हैं। ये कंप्यूटर्स एक वक्त में एक ही काम करते हैं लेकिन इंतहाई एक्यूरेसी के साथ। चूंकि ये कंप्यूटर्स बहुत ज्यादा ताकतवर होते हैं इसलिए इनकी कीमत भी ज्यादा होती है। कुछ मशहूर सुपर कंप्यूटर्स में टाइटैन, टियानी 2 और के कंप्यूटर शामिल हैं। मेन फ्रेम कंप्यूटर्स, सुपर कंप्यूटर से छोटे और जरा सी कम रफ्तार रखने वाले कंप्यूटर्स को हम मेन फ्रेम कंप्यूटर्स कहते हैं। लिहाजा नेक्स्ट टाइप जो कंप्यूटर्स की आप देख रहे हैं वो मेन फ्रेम कंप्यूटर्स हैं। ये कंप्यूटर्स साइज के लिहाज से भी बड़े होते हैं, इसीलिए इनमें ज्यादा इंफॉर्मेशन को स्टोर करने की सलाहियत मौजूद होती है। इसके साथ साथ मेन फ्रेम कंप्यूटर्स कीमत में भी बहुत महंगे होते हैं। पाकिस्तान में ये कंप्यूटर्स PIA, बैंक्स और बहुत सी दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस में इस्तेमाल हो रहे हैं। सर्वर्स, मेन फ्रेम कंप्यूटर्स के बाद जिन कंप्यूटर की बारी आती है वो सर्वर्स कहलाते हैं। इन कंप्यूटर्स की काम करने की रफ्तार मेन फ्रेम कंप्यूटर्स के मुकाबले में कई गुना कम होती है। सर्वर्स का बुनियादी काम हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और नेटवर्क पर मौजूद रिसोर्सेज तक रसाई कंट्रोल करना है, यानी बहुत सारे कंप्यूटर नेटवर्क के जरिए सर्वर के साथ मुंसलिक होते हैं और वो सर्वर के जरिए हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और दूसरे रिसोर्सेज तक रसाई हासिल करते हैं। हम कंप्यूटर नेटवर्क्स के बारे में अगले लेसन्स में तफसील से जानेंगे। इनमें डेल, HP और एसर के सर्वर्स ज्यादा मशहूर हैं। माइक्रो कंप्यूटर्स, माइक्रो कंप्यूटर्स को आमतौर पर PC या पर्सनल कंप्यूटर्स भी कहा जाता है। ये सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाले कंप्यूटर्स हैं जो ऑफिसेज, स्कूल्स, कॉलेजेस और घरों में भी इस्तेमाल किए जाते हैं। इन कंप्यूटर्स के काम करने की रफ्तार मेन फ्रेम कंप्यूटर्स और सर्वर्स के मुकाबले में कई गुना कम होती है और इसीलिए इनकी कीमत भी बहुत ज्यादा नहीं होती। इन कंप्यूटर्स को आपकी मेज पर रखने के लिहाज से डिजाइन किया गया है। इनमें ज्यादा मशहूर IBM, डेल, HP और एप्पल मैकिंटोश कंप्यूटर्स हैं। गेम कंसोल, गेम कंसोल एक ऐसी कंप्यूटिंग डिवाइस है जिस पर एक या एक से ज्यादा अफराद वीडियो गेम खेल सकते हैं। ये पोर्टेबल डिवाइसेस होती हैं, यानी इनको आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। कुछ मशहूर गेम कंसोल में माइक्रोसॉफ्ट का Xbox 360, नाइनटेंडो का Y और सोनी का PlayStation शामिल हैं। मोबाइल कंप्यूटर्स, मोबाइल कंप्यूटर एक ऐसा कंप्यूटर है जिसे आप आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। इनकी कंप्यूटिंग पावर तकरीबन पर्सनल कंप्यूटर जैसी होती है। मोबाइल कंप्यूटर की मिसाल लैपटॉप कंप्यूटर या नोटबुक कंप्यूटर हैं। मोबाइल डिवाइसेस, मोबाइल डिवाइस एक ऐसी कंप्यूटिंग डिवाइस है जो कि आसानी से आपके हाथ में समा सकती है। इनकी कंप्यूटिंग पावर पर्सनल कंप्यूटर से जरा कम होती है। मोबाइल डिवाइस में स्मार्टफोन्स, ई बुक रीडर और डिजिटल कैमरास शामिल हैं। एम्बेडेड कंप्यूटर, एम्बेडेड कंप्यूटर एक ऐसा कंप्यूटर होता है जिसे किसी प्रोडक्ट में एक कंपोनेंट के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि ये किसी बड़ी प्रोडक्ट का एक हिस्सा होते हैं, इसलिए इनका साइज बहुत छोटा होता है और इनकी कंप्यूटिंग पावर भी बहुत कम होती है। DVD प्लेयर, डिजिटल TV और
फोटोकॉपी मशीन्स चंद ऐसी प्रोडक्ट हैं जिनमें एम्बेडेड कंप्यूटर इस्तेमाल होते हैं। जी, तो अब तक हमने मॉड्यूल 1 के इस हिस्से में जिन चीजों और कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस किया वो ये बात जाहिर करती हैं कि कंप्यूटर हमारी जिंदगी में क्या किरदार अदा करता है और कितना जरूरी है। समरी। जी, तो अब तक मॉड्यूल 1 के इस हिस्से में हमने जिन चीजों और कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस किया वो ये बात जाहिर करता है कि कंप्यूटर हमारी जिंदगी के लिए कितना अहम है। मॉड्यूल 1 के इस हिस्से में हमने देखा कि कंप्यूटर क्या है, ये हमारी रोज़मर्रा जिंदगी में किस तरह इस्तेमाल होता है और इसके क्या फ़वाद हैं। हमने कंप्यूटर से मुतलिक मुख्तलिफ अहम टर्म्स को देखा, जैसे इनपुट, आउटपुट, स्टोरेज वगैरह। इसके अलावा हमने ये भी देखा कि कंप्यूटर के मुख्तलिफ इकसाम कौन सी हैं।